2019 में जिस अभी जो मिशन से लगे हुए हैं, जैसे आप युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को जैसे जैसे आप समझा रहे हैं, एक एक घर में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, क्या उसका असर आपको 2019 के लिए दिखाई दे रहा है? क्या आप कोई आपके जहन में ऐसे चेहरा है जो आप प्रधानमंत्री की सीट पर देखना चाहते हैं, तो आप खुलकर बताइए। सबसे पहले आप सभी को नेशनल दस्तक के माध्यम से, जो आज भाई जी इंटरव्यू ले रहे हैं और समाज पूरा आज यहाँ खड़ा हुआ है, सबकी एक ही उम्मीद है। आज जैसे हालात देश में है, 70-75 साल हमने देख लिए, पूरे तरीके से देख लिए हैं, हमने परख लिया, हमें मिला क्या है। देखिए, कोई महागठबंधन हो जाए या कुछ भी हो जाए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से मतलब है, बहन कुमारी मायावती से। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं भीमसेना की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से और बकायदा नवाब सतपाल तंवर अपने जैन से एक बात कहता है, इन सभी राजनीतिक दलों को अगर अपना अस्तित्व बचाना चाहते हो तो बहन जी की शरण में चले जाओ। ये सबसे बड़ी बात है। और चेहरा जो प्रधानमंत्री का है पूरे देश के अंदर, मैं महिलाओं की बात को उठा लूं, देश में महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं। क्या कांग्रेस में, क्या किसी अन्य क्षेत्रीय दलों में, क्या किसी राष्ट्रीय दल के अंदर क्या कोई महिला नेता नजर आती है? मैं कहता हूं बीजेपी में भी नहीं है। बीजेपी में भी जो भी महिला नेता है वो भी महिला विरोधी ही कही जा सकती है। और देश के अंदर अगर महिला के रूप में एक सशक्त चेहरा कोई नजर आता है तो वो है हमारी बहन कुमारी मायावती, इसके अलावा कोई चेहरा नहीं है। ये बड़ी बात है और पूरे देश को समझ लेनी होगी। बात कोई एक बहुजन समाज की नहीं है, बात सर्व समाज की भी है। अगर वास्तव में न्याय चाहिए, वास्तव में देश में संविधान चाहिए, वास्तव में देश में शांति चाहिए, देश में भाईचारा चाहिए, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार देख ली होगी। उत्तर प्रदेश में जब बहन जी का शासन था, कोई दंगा हुआ? शोर मत करो। कोई दंगा हुआ? कोई दंगा नहीं हुआ। बहन जी के शासन काल में जितने भी गुंडे बदमाश थे वो सारे के सारे प्रदेश छोड़ करके भाग गए या फिर मारे गए। लेकिन ऊपर से योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? अरे बेकसूर लोगों को एनकाउंटर के माध्यम से रुपए लेकर के मारा जा रहा है, गरीब लोगों को, शरीफ लोगों को मारा जा रहा है, चंद नोटों की पुड़िया में बिक रही है यूपी की पुलिस। ये हाल जो है आज योगी की सरकार का है। जब बहन जी का शासन था कुछ था, गुंडाराज था? बिल्कुल भी नहीं था। आज देश में बहन कुमारी मायावती जी की आवश्यकता है, इसके अलावा पूरे देश में कोई भी नेता नहीं है। देश के अंदर अगर बदलाव कोई हो सकता है, लोकतंत्र जिंदा हो सकता है, संविधान बच सकता है, महिलाएं सुख से सांस ले सकती हैं, खुला घूम सकती हैं, और देश का बच्चा पढ़ सकता है, देश में रोजगार आ सकता है, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, यदि युवाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ युवा वर्ग जो है वो शिक्षा के बलबूते सही रास्ते पर जा सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, तो देश में बहन जी को लाना पड़ेगा। ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी आपको एक बात और बता देता हूं, देखिए पूरा देश आज देखेगा, इस बात को भी देखेगा, चैनल के माध्यम से भी देखेगा, लाइव पे और भी साथी देख रहे हैं, कि अगर वास्तव में अपने बच्चों को प्यार करते हो, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हो, वास्तव में अगर चाहते हो, तो एक बार उनके चेहरे से आप नजर मिला लीजिए, अंधी भक्ति से हट जाइए, आरएसएस की गुलामी से हट जाइए और बहन जी का शासन लाइए। जय बहन कुमारी मायावती, साहब काशीराम जी अमर रहे। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों लाइक शेयर कमेंट। तो आज हमारे साथ सतपाल तंवर जी, जो युवा दलित नेता है, तो आज हम जानना चाहेंगे सतपाल तंवर जी से। सतपाल जी, जो हमारे दलितों के छोटे छोटे जो फंक्शन, बड़े बड़े प्रोग्राम जो चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, आप इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं कि 2019 में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? सबसे पहले पूरे भारत देश को नवाब सतपाल तंवर का, अखिल भारतीय भीम सेना का क्रांतिकारी जय भीम। मैं कोई दलित नेता नहीं हूँ, मैं एक युवा क्रांतिकारी हूँ जो चाहता हूँ कि भारत देश से आरएसएस का नामो निशान मिट जाए। सबसे पहली बात,
2019 के अंदर इनकी सरकार को, जो दमनकारी सरकार है, इनको उखाड़ करके फेंक दिया जाए। भाई जी आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों से बदलाव होगा और निश्चय ही बदलाव होगा। आज देश का युवा एक बहुजन समाज की ही बात नहीं है, आज देश का युवा वास्तव में बदलाव चाहता है, लोकतंत्र बदलाव मांगता है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, देश में सरकार ने आंतरिक इमरजेंसी लाने का काम किया है और यह इमरजेंसी अगर मिट सकती है तो सिर्फ अंबेडकरवाद से ही मिट सकती है। जय भीम। तो आज थे हमारे साथ युवा नेता, दलित बहुजन के चाहने वाले और बहुजन समाज जिनको दिल से चाहता है, सतपाल तंवर जी, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।